नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण नारायण। नारायण नारायण। वास्तु के अनुकूल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। एस पर नारायण शास्त्र अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव जो कि रचयिता हैं लिखते हैं कि यदि आपसे किसी ने कह भी दिया कि कोना शुभ नहीं है, वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, यानी वहां पर नकारात्मक ऊर्जा है। जहां पर भी आपको कहा जाता है कि घर के इस एरिया में, इस कोने में नकारात्मक ऊर्जा है, सही नहीं, यानी वहां पर निगेटिव एनर्जी है, पर ध्यान रहे आगे के शब्दों को ध्यान से सुनेगा कि वो नकारात्मक ऊर्जा जो आपको बताई गई है कि वहां पर निगेटिव एनर्जी है, वो निगेटिव एनर्जी हमेशा साइलेंट मोड पर होती है, रहती है। उन्होंने बताया है यदि वास्तुविद ने आपको कि कोना सही नहीं है, यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा है, चलो ईमान कर भी चलते हैं कि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा है, पर वो नकारात्मक ऊर्जा ऑलवेज साइलेंट मोड पर रहती है, ध्यान रहे साइलेंट शांत अवस्था में रहती है। उस निगेटिव एनर्जी में खुद में इतनी सामर्थ नहीं है कि वो अपना प्रभाव आप पर दिखा सके, आपके घर पर दिखा सके, क्योंकि वो साइलेंट मोड पर होती है। वो एक्टिव कब होती है? जब आपके विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार नकारात्मक होता है। तो आप समझ जाइए, इस बात को अच्छे से इस तरह समझ लीजिए कि वहां निगेटिव एनर्जी है, पेट्रोल पड़ा हुआ है, केरोसिन पड़ा हुआ है, पर उसमें अपने आप में जलने की सामर्थ्य नहीं है जब तक कि माचिस की तीली न लगा दी जाए। खुद में सामर्थ्य नहीं है केरोसिन पेट्रोल में कि पड़ा पड़ा जल उठेगा ना, ज्वलनशील पदार्थ है पर खुद में सामर्थ्य नहीं है कि रखे रखे वो जल उठेगा, जब तक कि वो अग्नि के संपर्क में नहीं आएगा, नहीं चलेगा। सेम यही अवस्था, यही व्यवस्था कि यदि किसी कोने में कोई पर्टिकुलर एरिया नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, वास्तु के अनुसार अनुकूल नहीं है, मतलब वहां नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, पर वो हमेशा साइलेंट मोड पर होती है, जब तक कि आपके विचार, वाणी, व्यवहार यदि नकारात्मक हुए, तब उस पर आपके तरंगे जाकर वो एनर्जी एक्टिवेट होती है और अपना प्रभाव दिखाती है। ये आपने इनकी शेयरिंग से अच्छे से समझ लिया कि जब बारंबार इन्होंने कहा खुद के विचार, वाणी, व्यवहार सही किए, घर को भाग्यशाली लक्की बताया, और सूर्य नारायण ध्यान साधना क्यों रोज करवाते हैं, ताकि घर का कोना कोना शुभ और लक्की हमारे लिए साबित हो। और अभी जो लोग रोज साधना कर रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं, आप लोग किसी से भी चेक करवा लीजिए अपना घर, वो कहेगा एकदम सही है, वास्तु के हिसाब से भी और अन्य के हिसाब से भी एनर्जी से भरपूर है। जब तक आपके विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार सही है, ईमानदार, वफादार है, विपरीत वास्तु आप पर अपना असर दिखा ही नहीं सकता, दिखाई नहीं सकता। जो ही आप विचार, वाणी, व्यवहार से, कैरेक्टर से हटते हैं, ईमानदारी से हटते हैं, वफादारी से हटते हैं, तब ये नकारात्मक ऊर्जा, ये वास्तु, ये सारे कुछ अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। और आपने कुछ परिवर्तन भी कर लिया किसी के कहने से, ये ऐसा नहीं ऐसा रखा जाना चाहिए, आपने रखा, आपने कई बार देखा होगा कि परिवर्तन करने के बाद भी परिवर्तन नहीं आया, जीवन वैसा का वैसा ही चल रहा है, बताए अनुसार करते जा रहे हैं फिर भी, इसलिए परिवर्तन नहीं आया कि आपने उस स्थान को तो परिवर्तित कर दिया लेकिन खुद के विचार, वाणी, व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया।
वो परिवर्तित होते से सब कुछ आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए। चलते चलते कई लोगों का कहना ऐसा होता है कि वो गिर पड़ते हैं, कहीं पैर उलझ जाता है या कहीं असंतुलन शरीर का हो जाता है। तो सुबह उठते से ही धरती माँ को प्रणाम करें। यदि माथा टेक के कर सकते हैं, शरीर उतना झुक पाता है, तो माथा टेक कर करें। और यदि माथा नहीं टेक पाते हैं तो छू भर भी लीजिए हाथों से, प्रणाम कर लीजिए माँ धरती, और फिर आपकी सुरक्षा धरती माँ अपने ऊपर ले लेती है। नारायण नारायण।